Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और महानगर टेलीफोनी निगम लिमिटेड एमटीएनएल को चौथी पीढ़ी या 4G एयरवेव्स के आवंटन के लिए सहमति व्यक्त कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार देर रात को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि दोनों टेलीकॉम कंपनियां अपनी कर्मचारी शक्ति को कम करने के लिए एक स्वैच्छिक सेनावृत्ति योजना यानी कि VRS को लागू करेंगे, जिसके बाद सेवानिवृत्ति की आयु में 58 तक की कमी की जाएगी। पीएमओ की अगुवाई वाली बैठक में दोनों टेलीकॉम के विलय के प्रस्ताव के साथ साथ भूमि मुद्रीकरण यानी कि लैंड मोनेटाइजेशन और बीएसएनएल के ऋण के हस्तांतरण के लिए एक विशेष परियोजन वाहन बनाने के प्रस्ताव को छोड़ने का निर्णय लिया गया। लेकिन यह भूमि संपत्ति और दूरसंचार बुनियादी ढांचे के मुद्रीकरण के लिए इसकी निगरानी बीएसएनएल, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, निवेश विभाग और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन के अधिकारियों सहित एक संयुक्त समिति द्वारा की जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सचिव अंशु प्रकाश और बीएसएनएल के अध्यक्ष भाग लेने वाले पीएमओ की बैठक में इस बात की भी सहमति बनी कि सरकार दोनों ही टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल के 4G स्पेक्ट्रम आवंटन को 100% कैपिटल इन्फ्यूजन मान ली जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पीएमओ में हुई इस प्रपोजल को यूनियन कैबिनेट में अप्रूवल के लिए ले जाया जाएगा। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार एमटीएनएल और बीएसएनएल के वित्तीय तनाव को कम करने के तरीकों पर गौर कर रही है। साथ ही साथ यह सरकार बीएसएनएल की 4G सर्विस को पूरे भारत में जल्द ही लॉन्च करने पर काम कर रही है। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना BSNL को 6,365 करोड़ रुपए और MTNL को 2,120 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जबकि BSNL के 4G एयरवेव्स के लिए 14,000 करोड़ और MTNL के 4G एयरवेव्स के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत आकी गई है। 2016 में रिलायंस जियो के आने के बाद से BSNL और अन्य कंपनियां काफी घाटे में चल रही थी। अब सरकार BSNL के वित्तीय तनाव और इसमें 4G एयरवेव्स के आवंटन पर जोर लगा रही है। Telecom News की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.